नमस्कार आप सबको। मैं संदीप बागड़ी आज आप सबके बीच में कुछ सवाल लेकर आया हूँ, कुछ अपनी बातें रखूँगा और आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जी हाँ, आजकल का सबसे शीर्षक टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक जो है, जी हाँ, कोरोना। तो कोरोना में लाखों बातें हो रही हैं, अखबार उठाओ, न्यूज़ देखो, हर जगह कोरोना की वजह से अपने भारत में अभी तक 3 डेथ हो चुकी हैं और विदेशों में काफ़ी इससे प्रॉब्लम चल रही है, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है और हमारे देहरादून में भी कुछ केसेस पाए गए हैं, FRI में पाया गया है, दून हॉस्पिटल में सुनने में आया है। और कुछ जानकारी तो खैर आप सबको पता ही है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाह रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि मन में क्वेरी है मेरे और आप सब लोग टीवी देखते होंगे, आप सब लोग YouTube पे भी मुझे पता है चेक करते रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आप सब लोगों से ही मुझे जानना है, कुछ मेरे मन में सवाल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी ये है कि मान लीजिए रास्ते में कोई चल रहा है और कोई भीड़ नहीं है और रास्ते में चल रहा है, उसने मास्क भी नहीं लगाया है, उसने सैनिटाइज़र भी नहीं है उसके पास, नॉर्मली चल रहा है और अगर उसे अचानक से छींक आती है, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, छींक आती है और वैसे ही वो घर पहुँचता है, हाथ धोता है, लेकिन उस तरह से नहीं धोता जैसे कि हम लोग बोलते हैं 22 सेकंड तक पहले आपको यूँ करना है, फिर यूँ करना है, फिर अपने अंगूठों को करना है, फिर अपने उंगलियों को, तो 22 सेकंड जो भी है, 22 सेकंड 30 सेकंड ठीक है, सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो ये नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसे कोरोना हो सकता है, पहली बात। अब फर्ज कीजिए एक और लड़का या जो भी है, एक और बंदा रास्ते में चल रहा है और उसने अपनी गाड़ी सर्विसिंग करने के लिए दी है। अब गाड़ी सर्विसिंग होके आ गई बिल्कुल एकदम चकाचक होके, अब वो गाड़ी में जा रहा है, अपना मज़े से जा रहा है, मौसम ख़राब होता है और बारिश शुरू हो जाती है और उसे छींकें आने लग जाती हैं और उसके पास प्रोटेक्शन के लिए, वही मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए उसके पास सैनिटाइज़र नहीं है या उसने वो बात नहीं सुनी या उसके पास वो मास्क नहीं है, तो सिर्फ वो छींकें और खांसी आने से उसे कोरोना हो सकता है। अगर मान लीजिए वो 4-5 दिन तक उसे खांसी रहती है, बुखार रहता है, तो क्या उसे कोरोना हो सकता है? अच्छा, तो यही मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि राह चलता जैसे इंसान है तो वो अगर छींकने लग जाए तो क्या वो कोरोना पीड़ित हो सकता है क्या? क्योंकि अभी हमने एक इंसिडेंट देखा हमारे देहरादून में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी, उसे छींक आई, लोगों ने अफवाह फैला दी, खांसी हुई और उसने अफवाह फैला दी लोगों ने कि इसको ऐसे है वैसे है और उसे चलती ट्रेन से बाहर कर दिया गया। मतलब ये कहाँ की मानवता है, मतलब कि किसी को अगर हल्के से गलती से कोई छींक भी आ जाए या खांसी खांसने लग जाए तो वो ये सोचता है कि नहीं कोरोना हो जाएगा। मैं इस चीज़ का थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ कि कोरोना बोलते बोलते हम लोगों ने अपने दिमाग में कोरोना बिठा दिया है, हम किसी से हाथ नहीं मिला पाते, जबकि उसमें ऐसा है कि मैं जो मानता हूँ, देखिए आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ और मुझे पता है कि ना आप बीमार हैं, ना मैं बीमार हूँ, ना आप संक्रमित हैं, ना मैं संक्रमित हूँ, तो हमारे हाथ मिलाने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सेफ्टी ज़रूरी है, हाथ वगैरह ज़रूर धोने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसी कोई बीमारी ना भी आए तब भी आप हाथ धोएं, समय से धोएं और जितने बार आप साफ़ कर सकते हैं अपने आप को सही रखें, स्वच्छ रखें, कपड़े सही पहने और तौलिया टावल वगैरह जो है किसी और का इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा जो भी सावधानी आपको बताई गई है या बताते आ रहे हैं डॉक्टर से लेकर सारे चिकित्सक लोग सब लोग, तो आप सब लोगों से मैं सिर्फ यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि राह चलते, ठीक है,
अब यार एक बार सुनो। अच्छा चलिए ठीक है, वो भी आप मान लीजिए किसी से हाथ नहीं मिलाना, हाथ ही जोड़ना है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, आस पड़ोस में सबके यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, आप उनको पानी देते हैं पीने के लिए, भले ही वो बॉटल में मांगते हैं, बॉटल वापस करते हैं, आप बॉटल धो भी देते हैं, जो भी चीज़ है, तो बेचारे वो लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर लगे हैं, उन्हें अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या आप उन्हें ये मानेंगे कि वो कोरोना से संक्रमित हो गया है? तो ये मेरी बातें थी, फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और इसी शुभकामना के साथ करना चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि ये जो कोरोना है ये जल्दी से दूर हो जाए, जो भी इससे लोग पीड़ित हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भाग् भवेत्। बस इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को आप सही रखिए, अपना जो भी डेली रूटीन है अच्छे से कीजिए, लेकिन इतना भी उसे दिमाग में ना भरिए कि आप लोग जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को अछूत महसूस कराने लगे। ठीक है, तब तक ले नमस्कार, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।